पैसे दोगे मैं कुछ भी करूंगी, मैं पैसे दोगे तो मैं उतार भी दूंगी और मैं पहन भी लूंगी। चल बे बकवास बंद कर, तू बकवास मत कर, तू बोल कितना लेगी कितना। मेरे को कसम है अपनी जिंदगी भर की कमाई तेरे पे ऐसे ऐसे करके उड़ा दूंगा, जिंदगी भर की। और कसम है मेरे को अपने माइक की, अगर मैं झूठ बोलूँ ना तो ये माइक सड़ जाए, गल जाए, पत्ते की तरह ढह जाए। जिंदगी भर की कमाई तो क्या, एक पैसा भी खर्च ना करूं मैं। अरे मैं जोकिंग, मैं क्यों खर्च करने वाला हूँ उर्फी जावेद पे पैसा। उर्फी जावेद ने बोला कि मैं पैसे के लिए अपने कपड़े उतार सकती हूँ और पैसे के लिए कपड़े पहन भी सकती हूँ। तो उर्फी जावेद को कपड़े पहनाने वाले तो मिलेंगे नहीं, जो भी मिलेगा ना उर्फी जावेद के कपड़े उतारने वाला मिलेगा। तो एक मजे की बात बताता हूँ आपको, उर्फी जावेद को मैंने कल मैंने उर्फी जावेद को फुल ड्रेस में देखा। मजाक से हटके देखा मैंने उर्फी जावेद को फुल ड्रेस में, मेरे को ना अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। अरे यार, किसी ने उर्फी जावेद को पैसा दे के कपड़े पहना दिए। मैंने सोचा नहीं था कि इस जन्म में जीते जी उर्फी जावेद को मैं फुल ड्रेस में देखूंगा, लेकिन बड़े अफसोस की बात मैंने उर्फी जावेद को फुल ड्रेस में देख लिया। मेरे को ना अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। मैंने दो तीन बार ऐसे ऐसे करके मारा, भूख लग रही है, फिर ऐसे ऐसे करके नकोचा। मैंने ये सपना तो नहीं है कि ये इंस्टाग्राम अकाउंट है किसका, क्या बोला तूने? फिर बहुत गौर से देखा, तब जाके मेरे को पता लगा उर्फी जावेद का इंस्टाग्राम अकाउंट है और ये उर्फी जावेद है। जब मैं अपने आप को मारा कूटा, फिर जाके मेरे को पता लगा कि ये उर्फी जावेद है, ये उर्फी जावेद का ऑफिशियल अकाउंट है। मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था किसी ने पैसा दिया उर्फी जावेद को। मैं गलत था कि सब पैसा दे के जो है कपड़े उतरवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं गलत था, पैसा दे के किसी ने कपड़े पहनाए उर्फी जावेद को। मतलब किसी ने प्रमोशन कराया ड्रेस का, तो उर्फी जावेद को पैसा दिया, फिर उर्फी जावेद को ये ड्रेस पहनाई, तभी उर्फी जावेद ने फुल ड्रेस पहनी। वरना उर्फी जावेद कौन देख रहा है उर्फी जावेद को फुल ड्रेस में, बताओ बताओ कौन देख रहा है उर्फी जावेद को फुल ड्रेस में, कोई देख रहा है? सही पकड़े हैं, सही तो हम पकड़ते हैं, किसी ने पैसा खर्च करा उर्फी जावेद को कपड़े पहनाए। उर्फी जावेद ने सही बोला था कि मैं पैसे के लिए कपड़े उतार सकती हूँ, पैसे के लिए कपड़े पहन सकती हूँ, तो पैसे के लिए उर्फी जावेद ने पहने कपड़े। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और लोगों ने भर भर के कमेंट्स किए नीचे, भाई उर्फी जावेद के लिए एक लाइक तो बनता है, उर्फी जावेद के लिए रिस्पेक्ट। उर्फी जावेद को हमने फुल ड्रेस में देखा, हमारा जीवन धन्य हो गया, धन्य। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो को जो आगे चल के मैं वीडियो में बोलने वाला हूँ, इस वीडियो को मैंने अपलोड करा था तीन दिन पहले अपलोड करा था, लेकिन बड़े अफसोस की बात तो उसके बाद उर्फी जावेद ने फुल ड्रेस पहन लिया, तो मुझे अब ये वीडियो जो है डिलीट करना पड़ रही है अपने यूट्यूब चैनल से। अब जो है इस वीडियो को दोबारा से मैं रीअपलोड कर रहा हूँ। अच्छा बात नहीं है। जब मैंने वीडियो अपलोड करा था तो मेरे को पता नहीं था कि उर्फी जावेद जो है फुल ड्रेस पहन लेगी, और उसके बाद मेरे को ये भी पता नहीं था थारा भाई जोगिंदर आजकल धर्म का ठेकेदार बना पड़ा है, थारा भाई जोगिंदर और पुनीत सुपरस्टार, तो मेरे को ये भी पता नहीं था, ये जानकारी भी नहीं थी कि थारा भाई जोगिंदर और पुनीत सुपरस्टार ने, जो यूट्यूबर हैं थारा भाई जोगिंदर को रोस्ट करते हैं, जो यूट्यूबर पुनीत सुपरस्टार को रोस्ट करते हैं, मतलब इनकी जो क्रिंज क्रिंज वीडियो होती हैं, ये जो गंदगी फैलाते हैं सोशल मीडिया पे, क्या बोला तूने, उसको एक्सपोज करते हैं जो लोग, तो थारा भाई जोगिंदर और पुनीत सुपरस्टार बोल रहे हैं कि हम तुमको घर से उठा लेंगे, हम तुमको इतना मारेंगे। पुनीत सुपरस्टार और थारा भाई जोगिंदर बोल रहे हैं कि हम तुमको इतना मारेंगे सालों, तुम्हारा नामो निशान ख़त्म कर देंगे, तुम्हारा चैनल हैक कर देंगे, तुम्हारा चैनल तबाह कर देंगे, तुम्हारे चैनल पे सुनामी ले आएंगे। इन लोगों का ना अलग ही चल रहा है। मेरे ख्याल से ना ये लोग खाना नहीं खाते हैं, ये सुबह शाम दोपहर को जो है पोटी का सेवन करते हैं और फिर पोटी ही नीचे से निकालते हैं। मेरे ख्याल से ना बहुत ज़्यादा हो गया, पोटी का तो सेवन नहीं करते होंगे थारा भाई जोगिंदर और पुनीत सुपरस्टार, हमारी तुम्हारी तरह जो है खाना ही खाते होंगे, पोटी का सेवन तो नहीं करते होंगे, लेकिन इन लोगों को देख कर लगता है। बाकी चलो वीडियो देखते हैं शुरू। वीडियो मैंने 3 दिन पहले अपलोड करा था, अच्छा, लेकिन बड़े अफसोस की बात मेरे को वीडियो डिलीट करना पड़ा और दोबारा से ना रीअपलोड करना पड़ रहा है। वीडियो में कुछ कमियाँ ऐसी थी ना
उर्फी जावेद, उर्फी जावेद को अगर तुम दिखा दोगे ना अपने यूट्यूब चैनल पे, हाय हाय, तो उर्फी जावेद इतनी बड़ी पनौती है उर्फी जावेद वीडियो जो है ना डीमोनेटाइज हो जाती है, खत्म। उर्फी जावेद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे यूट्यूब पे इतना अश्लील कंटेंट प्रोवाइड कराती है, उसका तो कुछ नहीं जाता। हमारे जैसे बंदे अगर उसकी फोटोज या उसकी वीडियोज यूज कर लें तो अपने YouTube वीडियो में तो YouTube बाबा वीडियो को डीमोनेटाइज कर देता है, फिर वीडियो की ऐसी तैसी हो जाती है। इस हिसाब से तो उर्फी जावेद का अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाना चाहिए, जिस तरह का कंटेंट बनाती है उर्फी जावेद। चलो बकलोली हो गई, बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, चलो करते हैं शुरू। दिल तो मैं किसी का भी चुरा लूं, पर मम्मी कहती है चोरी करना गलत बात है। बहुत गलत बात है। पापा की परी, सॉरी पापा की परी नहीं, ये पापा की परी नहीं है, ये मम्मी की लाडली है, मम्मी की लाडली है उर्फी जावेद। उर्फी जावेद की मम्मी ने बोला है बेटा किसी का दिल चुराना, वैसे चुरा तो सकती है, बच्चों का, लौंडों का, बूढ़ों का, सबका दिल चुरा लिया है इसने, लेकिन फिर भी जो है इसकी मम्मी ने मना करा है कि गलत बात है बेटा किसी का दिल मत चुराना, दिल मत चुराना बहुत गलत बात है। तो उर्फी जावेद जो है अपनी मम्मी की लाडली, उर्फी जावेद किसी का दिल नहीं चुराती है, मम्मी ने बोला गलत बात है, बहुत गलत बात है। वो अलग बात है बड़े बड़े बुढ़े बाथरूम में जाके वीडियो देखते हैं और फिर अंसारी। तो दोस्तों आज मैं फिर से बहुत अरसे बाद जो है उर्फी जावेद के बारे में बात कर लेता। उर्फी जावेद की मम्मी ने मना किया, उर्फी जावेद की मम्मी ने मना कराया कि बेटा किसी का दिल चुराना गलत बात है, बहुत गलत बात है। उर्फी जावेद अपनी मम्मी की लाडली, उर्फी जावेद कहना ही मानती है अपनी मम्मी का, तो उर्फी जावेद किसी का दिल नहीं चुरा रही है, किसी का भी दिल नहीं चुरा रही है, चाहे वो बच्चा हो गया, चाहे जवान हो गया, चाहे बुढ़ा हो गया, किसी का भी दिल नहीं चुरा रही है उर्फी जावेद। उर्फी जावेद अपनी मम्मी की लाडली है, बहुत ही ज़्यादा लाडली है उर्फी जावेद, किसी का भी दिल नहीं चुरा रही है और किसी का भी दिल नहीं चुराएगी उर्फी जावेद। वो अलग बात है मम्मी ने ये मना नहीं किया, मम्मी ने ये मना नहीं किया कि बेटा 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 तुम इतना वाहियात फैशन करती हो, इतना वाहियात फैशन करती हो, तुम्हारा फैशन बहुत ही वाहियात है, तुम्हारा फैशन देख के युवा जनरेशन जो है ख़राब हो रही है, तुम्हें देख देख के लड़कियां जो है ना तुम्हें अपना आइडल मान रही हैं, तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश कर रही हैं, बेटा बेटा ऐसा वाहियात फैशन मत करो। मम्मी ने ये मना नहीं किया, अगर मम्मी ये मना कर दें कि बेटा इतना वाहियात फैशन मत करो, ये फैशन सही नहीं है, ये गलत है, समाज में हमारी रेपुटेशन, हमारी इज्जत बेकार हो रही है, ख़राब हो रही है, बेटा तुम ये गलत फैशन मत करो, अगर मम्मी ये मना कर देंगी तो उर्फी जावेद के घर का चूल्हा उर्फी जावेद का घर का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अच्छी बात तो कहता हूँ मैं परेश रावल जी, वो अलग बात है जिस तरह से जिंदगी झंडे इसी तरह से चैनल भी झंडे, चैनल की रीच जो है दिन ब दिन घटती जा रही है, चैनल जब से बंद होकर खुलाना दोबारा से साला उठने में नहीं आ रहा। जब चैनल पे व्यूज अच्छे आने लगेंगे थोड़े, तो भाई हौसला भी बढ़ेगा और खूब चीख चीख के नल्ले बेरोजगार रिपोर्टर की तरह जिस तरह से उर्फी जावेद मतलब चलती है, अपना वाहियात फैशन लेके चलती है उर्फी जावेद, जब गाड़ी में से निकलती है कोई भी वाहियात ड्रेस लेके चलती है उर्फी जावेद के पीछे नल्ले बेरोजगार रिपोर्टर, अरे उर्फी जी अपना पिछवाड़ा दिखाओ, उर्फी जी अपना अखबाड़ा दिखाओ, उर्फी जी ने कितना कमाल का ड्रेस पहना है, अच्छा उर्फी जी बहुत अच्छी लग रही हैं, उर्फी जी यू लुकिंग सो वाओ, नल्ले बेरोजगार रिपोर्टर बोलते हैं जिस तरह से उर्फी जी को देख के, इसी तरह से मैं भी चीख चीख के बोलूंगा जब चैनल पे व्यूज आने लगेंगे, तब व्यूज आना आए लेकिन कोशिश तो करता रहूंगा मैं। तो उर्फी जावेद की मम्मी ने ये नहीं बोला कि उर्फी जी आपने इतना वाहियात फैशन मत किया करो, मेरे को भी शर्म लगती है, क्यों बोलेंगी भाई उर्फी जी की मम्मी, क्यों बोलेंगी, अगर बोलेंगी तो उनके घर का चूल्हा बंद हो जाएगा, कमाओ पूते उर्फी जावेद, कमा कमा के लाती है तब अपनी फैमिली को पालती है उर्फी जावेद। और उर्फी जावेद ने बोला भी कि मैं पैसे के लिए कपड़े उतार भी सकती हूँ और कपड़े पहन भी सकती हूँ, मतलब तुम अगर पैसा दोगे तो मैं कपड़े उतार दूंगी, पैसे दोगे मैं कुछ भी करूंगी, मैं पैसे दोगे तो मैं उतार भी दूंगी और मैं पहन भी दूंगी। बहुत हिम्मत वाली है उर्फी जावेद, ऑन कैमरा जो है इतना कुछ बोल देती है उर्फी जावेद के जैसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं।
चल झूठा। उर्फी जावेद के जैसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। उर्फी जावेद बड़े ही हिम्मत के साथ बोल दी कि पैसे के लिए मैं इतनी बड़ी लालची हूँ, इतनी बड़ी लालची हूँ, इतनी बड़ी लालची हूँ, पैसे के लिए कपड़े उतार भी सकती हूँ और कपड़े पहन भी सकती हूँ। तुम अगर पैसा दोगे तो मैं कपड़े उतार दूंगी, तुम अगर पैसा दोगे तो कपड़े पहन भी लूंगी। साला कोई ऐसा मिलेगा ही नहीं जो पैसा देके तुम्हें कपड़े पहना है, सब सुसरे उतारने वाले मिलेंगे। तो मम्मी जी ने मना नहीं किया, बेटा कम कपड़े मत पहना करो। ये क्या बात, क्यों मना करेंगी भाई, क्यों मना नहीं करेंगी। उर्फी जी अपनी मम्मी की लाड लिए, उर्फी जी की मम्मी ने तो नहीं कहा नहीं। मान लेते हैं उर्फी जी ने कहना नहीं माना अपनी मम्मी का, अब उर्फी जी कहना मानेगी थारा भाई जोगिंदर का। थारा भाई जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर धर्म का ठेकेदार बना पड़ा है इस समय। थारा भाई जोगिंदर और पुनीत सुपरस्टार, पुनीत सुपरस्टार जो है लोग धर्म के ठेकेदार, मतलब फेक फेक न्यूज जो है फैला रहे हैं और कसम दे रहे हैं भगवान की, कसम है तुम्हें भगवान की, शेयर करो दबा के। तो थारा भाई जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर जो है उर्फी जी को बोलता हुआ, अबे तेरी अकल ठिकाने कर दूंगा, तू कम कपड़े पहन के लड़कियों को बिगाड़ ली, कम कपड़े पहन के युवा जनरेशन को बिगाड़ ली, तो इतना भाईयात फैशन कर रही है, अब तेरी खैर नहीं है। थारा भाई जोगिंदर बोलता हुआ, इस उर्फी जावेद को प्रणाम, कार्रवाई होनी चाहिए, इसने हमारे भारत की संस्कृति को इतना बदनाम कर दिया है। अगर यहाँ पर कोई लड़का होता ना तो बिना कपड़ों के सड़कों पर अब सुधारेगा थारा भाई जोगिंदर उर्फी जावेद को। उर्फी जी अपनी मम्मी से नहीं सुधरी, उर्फी जी अपने पापा से नहीं सुधरी, उर्फी जी अपने रिश्तेदारों से नहीं सुधरी, उर्फी जी अपने रिश्तेदारों को तो गंदी गंदी गालियां देती है, रिश्तेदारों से क्या घंटा सुधरेगी उर्फी जी। उर्फी जी किसी से भी नहीं सुधरी, उर्फी जी को जिसने सुधारने की कोशिश करी इतिहास गवाह है। उर्फी जी से अगर किसी ने बोला कि कम कपड़े पहनो, उर्फी जावेद पूरी नंगी हो गई। तो उर्फी जी किसी से भी नहीं सुधरी, किसी से भी नहीं सुधरी, थारा भाई जोगिंदर सुधारेगा उर्फी जी को। अबे पहले खुद तो सुधर जा रे, अबे पहले खुद तो सुधर जा, होती है खुद तो सुधर जा पहले। ये भी बवासीर है, बहुत बड़ी वाली बवासीर है थारा भाई जोगिंदर। ये गंदगी है, जिस तरह से उर्फी जी समाज के लिए गंदगी है, इसी तरह से थारा भाई जोगिंदर समाज के लिए गंदगी है। इसे जितनी गालियां दो उतनी कम है, इसका कमेंट सेक्शन खोलोगे ना, इसको लोग गंदी गंदी गालियां देते हैं भर भर के। ये समाज के लिए गंदगी है थारा भाई जोगिंदर। सही पकड़े हैं, जिस तरह से उर्फी गंदगी है, इसी तरह से थारा भाई जोगिंदर गंदगी है। कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, ना सोचता है ना समझता है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बोल देता है। बात तो सही है, ये सोचता है ना समझता है, कुछ भी बोल देता है, और पुरानी पुरानी न्यूज़ लाता है उठा के और उन्हें दिखाता है और कसम देता है भगवान की कि इसे शेयर करो, और लोग शेयर करते भी हैं, उसकी डिटेल नहीं निकालते। कंट्रोल। जिस तरह से उर्फी जावेद कभी नहीं सुधरेगी, इस तरह से थारा भाई जोगिंदर भी कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। ये कुछ ना कुछ, ये हर जगह अपनी बेइज्जती कराता रहता है, हर जगह। ये दिन में दो चार बार अपनी बेइज्जती ना करा ले तब तक इसे सुकून नहीं मिलता। ये रोडी में गया था मेरे ख्याल से, शायद वहां भी इन्हें बेइज्जती कराई दबा के। इसका ना शौक है खुद की बेइज्जती कराना। जिस तरह से उर्फी जावेद कभी नहीं सुधरेगी, इस तरह से थारा भाई जोगिंदर भी कभी नहीं सुधरेगा। सही, तो हम पकड़ते हैं भाभी जी। बस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा ना किसी से भी कोई हेट नहीं, किसी से भी, भैया मैं कौन होता हूँ किसी से हेट करने वाला, ना ही मेरा थारा भाई जोगिंदर से कोई हेट है, ना ही मेरा पुनीत सुपरस्टार से, पुनीत सुपरस्टार से भी कोई हेट नहीं है, और खास कर ना ही मेरा उर्फी जावेद से कोई हेट है। उर्फी जावेद की मम्मी ने मना करा, बेटा किसी का दिल चुराना गलत बात है। तो मम्मी ने ये भी मना नहीं करा कि क्रिंज वाहियात फैशन करना भी गलत बात है। बाकी वीडियो जस्ट फॉर फन, बाकी मिले किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, बाय।